ये रेसिपी है हल्की स्वादिष्ट और पौष्टिक गुजराती डिश पानकी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए चावल का आटा, नमक, हल्दी, रवा, बेकिंग सोडा, तेल, बारीक कटा हरा धनिया, फेटा हुआ दही और सबसे खास केले के पत्ते। सबसे पहले केले के पत्तों को दो भाग में काटकर बीच की डंडी अलग कर दें। इन्हें और छोटा काटें ताकि ये तवे पर रखकर पकाए जा सकें। इन पत्तों के बीच ही पानकी के घोल को पकाया जाएगा। पत्ते के जिस तरफ रंग गहरा हो उस पर तेल लगा लें, क्योंकि हल्के रंग के पत्तों पर घोल चिपक जाता है। अब एक बड़े बर्तन में चावल के आटे के साथ सभी सूखी सामग्री मिला लें। फिर इसमें दही डालकर सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लें। अब कम मात्रा में पानी मिलाकर एक घोल तैयार करना शुरू करें। इसे थोड़ा पतला करने के लिए रुक रुक कर थोड़ा पानी और मिलाएं। इस घोल में डल्ले ना बनने दें। आपका घोल इतना पतला होना चाहिए जिससे वो पत्तों पर फैल सके पर धुले नहीं। अब बारी है इसे पकाने की। एक तवे पर केले का पत्ता रखें जिसकी तेल लगी हुई परत ऊपर की तरफ हो। अब थोड़ा घोल डालकर पत्ते पर फैलाएं। किनारों से थोड़ी जगह छोड़ दें। अब दूसरे पत्ते से इसे ढक दें जिसकी तेल लगी हुई परत नीचे की ओर हो। इसे मध्यम आंच पर पकाएं। गर्मी से पत्ते सिकुड़ने लगेंगे और गहरे रंग के होते जाएंगे। थोड़ी देर बाद इसे पलटकर दूसरी ओर से भी पकने दें। जब दोनों ओर से पत्तों का रंग गहरा भूरा हो जाए तब आपकी पानकी तैयार है। पत्तों के अंदर स्टीम होकर ग्लैमरस किचन में पकी ये डिश पानकी कहलाती है, जिसे आप चटनी के साथ सर्व करके इसका आनंद लें।